हाय एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का वेलकम है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग पे बने रहे। तो आप सभी का सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है ब्लॉग्स में, मैं देख रहा हूँ। सो उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। और अभी भी दो तीन पार्ट्स और भी आएंगे ब्लॉग्स के, तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह प्यार दे। तो चलिए आज का ब्लॉग, पहला अरग का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, आप सभी देखें। पहला अरग का दिन था और दौरा जो है वो सज चुका है। अब यहाँ से जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, हम लोग अभी छठ घाट के लिए निकलेंगे। हमारे घर से नदी का जो डिस्टेंस है वो लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है। हम लोग फिलहाल अभी चल के नहीं, हम लोग गाड़ी से ही जा रहे हैं और दौरा भी गाड़ी से ही लेके जा रहे हैं। फैमिली के कुछ सदस्य हैं चल के जा रहे हैं और बाकी सब गाड़ी में जा रहे हैं। तो लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हो पार्किंग के लिए भी काफी स्पेस बनाया गया है ताकि जो भी 4-व्हीलर से आए उन्हें परेशानी ना हो पार्किंग करने में। तो हम लोग गाड़ी से उतर चुके हैं, सारा सामान भी उतार चुके हैं, अब यहाँ से हम लोग नदी की ओर निकल रहे हैं। तो नदी हम लोग आ चुके हैं और ये खूबसूरत सा पुल जो है वो बनवाया गया है गाँव वालों के तरफ से, पैसे जमा करके, कलेक्शन करके, श्रद्धालु को किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, आसानी से नदी के इस पार से उस पार आसानी तरीके से जा सके, किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। इसके साथ ही साथ लाइट और साउंड की भी व्यवस्था की गई है ताकि शाम हो जाने पे किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, रोशनी भी रहे और साउंड माइक सबका व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। फैमिली के कुछ मेंबर्स पहुंच गए हैं और कुछ का अभी भी आना बाकी है। अब मजा आया, मजा आ रहा है। शाम का समय हो चुका है और लाइट ऑन हो चुकी है और जो ब्रिज है वो कितना खूबसूरत लग रहा है वो देख सकते हो आप। इधर देखिए दादी, हर के पात्र में जल के बाद फूल अर्पण पैसा कैसे निकालिए, जल को लेकर के सभी पूजन की सामग्री पर छीटिए, हर का जल फूल से लेकर के।
बाबू श्री बाबू बाबू इधर देखो अम्बे अम्बे के अम्बाल के रामानी के घाट का बाल धान के बाल होती है सरस के अंदर डालेंगे अब हाथ में पुष्प छट लेके भगवान का ध्यान और आह्वान कीजिए पहला अर्घ का पूजा हो चुका है। अब वक्त आ गया है यहाँ से दौरा उठा के हम सभी को घर वापस जाने का। तो घर वापस जाने की तैयारी हो चुकी है, सभी हम लोग फैमिली मेंबर्स यहाँ से नदी से निकल चुके हैं और निकलने के बाद सभी गाड़ी में बैठेंगे और बैठने के बाद फिर वापस घर चलेंगे। तो अब वक्त आ गया है कि गाड़ी में हम लोग सभी बैठेंगे और यहाँ से नदी से निकलेंगे घर के लिए। तो फाइनली हम लोग अपना घर पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हो। तो घर आने के बाद हम सबको भूख लग गया, जितने भी बच्चे हैं, तो हम जीजू और राजन हम लोग आए हैं छोला भटूरा खाने के लिए और साथ में समोसा लेके घर वापस जा रहे हैं। अब वक्त आता है कि ठेकुआ बनाने का, जो कि हम लोग सुबह भी बनाए थे और रात में भी बना रहे हैं क्योंकि कुछ बच गया था और हम लोग लगभग 1 बजे रात तक बनाए और सभी फैमिली एक जगह बैठ के, और बहुत अच्छा लगा। ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट यू नो हमेशा के लिए यादगार रहेगा, बहुत ही अच्छा लगता है ये मोमेंट। इसके बाद 2 से 3 घंटे के लिए हम सब सो गए और सो के उठने के बाद जो मेरे साथ होने वाला था वो अनएक्सपेक्टेड था, मेरा एंकल फ्रैक्चर। आज मजा नहीं कर पाए, कल मजा किए थे, आज कुछ मजा नहीं। तो आप सभी ने देखा ब्लॉग, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और अभी दूसरा अर्घ का भी ब्लॉग आएगा, वो कल आएगा नेक्स्ट डे। तो इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।